ये माहौल है, ये देखो बच्चे बच्चे बाहर आए हुए हैं। कौन सी क्लास अटेंड करवा रहे हो भाई फिर? कौन सी क्लास अटेंड करवा रहे हो? बीबीए की क्लास के अंदर बैठे हैं, अब टीचर आएगी। जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ए न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है अपना शारदा यूनिवर्सिटी में कॉलेज। अपना दोस्त है, उसका एग्ज़ाम है, तो वो कह रहा है चल साथ में, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। वो एग्ज़ाम देगा, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक मेरी कोशिश रहेगी मैं वहाँ पे सारी चीज़ आपको बताऊँ, किस किस कोर्सेज़ की क्या एडमिशन फ़ीस है और कैसा रहता है हमारा दिन। कोशिश करूँगा क्लास भी अटेंड कर लूँ। आज का दिन रहने वाला एज ए स्टूडेंट मैं दिन बिताने वाला हूँ, जैसे मैं अपने कॉलेज लाइफ में बिताता था। तो आज जाऊंगा और काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है, तो आप बने रहें वीडियो में। और अपना रॉक सो रहा है, मैं तो उठ गया, नहा लिया, रेडी होता हूँ, निकलता हूँ, सीधे मिलते हैं आपको कॉलेज में। ब्लॉक नंबर 1 गाइस, और ये भी बाहर के देशों के भी लोग आए हुए हैं यहाँ। यहाँ पे क्लास नहीं चल रही थी तो मैं आ गया अंदर। ये देखो क्लासरूम ऐसे है, हमारे टाइम में तो अलग अलग रहते थे बेंचेस वगैरह। तो मेमोरीज ताज़ा हो गई यार कॉलेज टाइम की। गाइस मैं आ गया था इधर बगल वाले रूम में। भाई मिले, क्या नाम है भाई आपका? सूरज खरे। क्या बात है, तो भाइयों के साथ बैठा हुआ। गाइस मैं बैठा हुआ था क्लास में, तो एक टीचर आ गया, फिर मैं बाहर आ गया। अब भाई मिले अपने को, भाई ने लिया नया एडमिशन है बीसीए में। क्या नाम है भाई? अनुराग तिवारी। उस भाई का तो नाम मैं बता नहीं पाया था क्योंकि टीचर आ गए थे सडनली, फिर मैं बाहर आ गया। तो भाई से मिले, भाई के साथ टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा, भाई बता रहे हैं हमें। तो मन लगा हुआ भाई का यहाँ पे। पढ़ाई सही हो रही है? अभी तो मैंने क्लास नहीं अटेंड की। चलो कोई नहीं। अनुराग भाई ने लिया है बीसीए में एडमिशन, और पहले साल की जो फीस है 1,54,500 प्लस 32,000 रजिस्ट्रेशन वो। और ये दूसरे साल की फ़ीस मतलब 1,70,000 1,50,000 अप्रोक्स ये एक साल वो है बीसीए की। 3 साल का कोर्स होता है ना ये? बीसीए तो 4 साल का होता है। नहीं, 3 साल। 3 साल का तो ये फ़ीस है। और बीबीए की कितनी है? बीबीए का गाइस अभी बीबीए की दिखाते हैं, फिर एमबीए की भी दिखाएंगे। साइड बाय साइड आपको मैं ये भी बता रहा हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर। बीबीए की फ़ीस है गाइस साल की है 2 लाख रुपए प्लस वो थोड़ा बहुत 30,000 एडमिशन चार्ज, मतलब इसकी 2 लाख रुपए एक साल की फ़ीस। बड़ा महंगा यार, 6 लाख तो 3 साल के। और एमबीए की है, एमबीए 2 साल की होती है 3.5 लाख 3,60,000। एमसीए की भी इतनी होगी, एमसीए की दिखाना। और बीटेक भी तो बहुत चलता है ट्रेंडिंग में। एमसीए, तो ये देखो बीटेक की जो फीस है 1 साल की 2 लाख कुछ है। 4 साल का कोर्स होता है ये। बीटेक 8 लाख की होगी। ओ भाई साहब गाइस बड़ी महंगी हो रही है पढ़ाइयाँ। और मैंने जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी मतलब काफ़ी बीबीए में और एमबीए में बहुत पैसा मतलब लगाया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार। पर जॉब में ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है एमबीए करके भी, भाई कह रहे हैं। तो तब तो जितने पैसे हमने पढ़ाई में लगाए हैं उतने निकाल भी नहीं पाए हैं। तो फिर यार ये तो फिर घाटे वाला सौदा हुआ है, बहुत ज़्यादा घाटे वाला सौदा हुआ। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो, बट जो इंडिया पर वो यार जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है चीज़ों का, भाई फॉरेन में पता क्या होता है? फॉरन में भाई सारी एजुकेशन चार्जेस वो देते हैं, गवर्नमेंट देती है, हॉस्पिटल के सारी चीज़ें एक्सपेंसेस। और कोई अगर बेरोज़गार होता है ना तो उसे सरकार $1500 भी देती है। तो मतलब ऐसी फैसिलिटी है। और यहाँ पे इतना पैसा लगाने के बाद भी मैं बताऊँ 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब। तो यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, और आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया अनुराग भाई के साथ। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। भाई से कह रहा हूँ मैं, बढ़िया मुझे यार भूख सी लग रही है, कुछ हेल्दी चीज़ खा लेते हैं जाके। क्यों? खाने पीने का भी ध्यान देते रहना चाहिए। क्यों? पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी। तो भी हम आए थे कैंटीन में, हमें चाहिए एग्स और एग्स तो नहीं मिल रहे। कैंटीन दिखा देते हैं आपको, लेकिन तो बढ़िया बना रखे है वैसे। क्यों? ये सारा कैंटीन वाला एरिया है अपना, ये सारे बच्चे बैठे अपना खाना वाना कर। अपने को तो यार पर वो डाइट नहीं मिली। क्यों? हमें चाहिए एग्स, वो हमें नहीं मिले। तो पराठे वराठे खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? फिर हम जा रहे हैं बाहर। क्यों भाई हेल्दी खाना चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा। सही बात है भाई, शरीर को तो बढ़िया क्लीन चीज़ें। एक तुमने वो देखी है रील, एक काला सा यूं चल के आता है और एक वो खा रहा होता है फास्ट फूड, लात मारता पड़ता नहीं कह रहे भाई मॉडलिंग भी करते हो क्या तुम? ये बात तो तूने नहीं बताई भाई, ये बता दो यार है? लगता तो है करते हो तुम। करता हूँ। अरे यार तो भाई कोई है मॉडलिंग में रखने वाला, करवा दो यार। मन तो बहुत करता है यार, मॉडलिंग कर लेंगे, पर आता कुछ नहीं है। भाई मारो, क्या करना है। सही बात है, ऑडिशन दो और क्या। ठीक है गाइस, पर्सनालिटी शक्ल हो जाएगी उसमें कौन। क्या जन्नत का नूर तो आता नहीं मॉडलिंग करने के लिए, हम ही जैसे लोग रहते हैं। सही बात है का अपार्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी के लिए बनी है चीज़। ट्राई करते रहो, नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्यों? सही बात है। सब तुम्हें देखे जा रहे हैं, हम क्या बोले बताओ। अरे वो देखो, अरे तुम्हें देखे जा रहे हैं। अरे मतलब कोई अपने को कोई देख ही नहीं रहा है। अरे भाई को भी देखेंगे। भाई का इंस्टाग्राम क्या है? अनुराग तिवारी 903। भाई का इंस्टाग्राम है अनुराग तिवारी 903 पे जाके भाई को मैसेज वैसेज करो यार। ऐसी बात नहीं है, भाई के पास भी अब सीधा मैसेज वैसेज करेंगे लोग। डीएम्स भर दो भाई के। बात है पूरा, अगर कॉलेज का चक्कर पैदल मार लिया ना, कैलोरी काफ़ी सारी बर्न हो जाएंगी और फैट लॉस हो जाएगा। और क्या, मेरा तो हो रखा है 10 किलो वजन कम कर दिया मैंने ऐसी दौड़ की कॉलेजों में। बिल्कुल दौड़ मारते रहो, फिटनेस का ध्यान रखते रहो अपना। और क्या, एडमिशन को लेके मैंने अपने वेट ही लॉस कर लिया। बिल्कुल। हमने ले लिया मौसमी का जूस। कैसा है भाई, सही है स्वाद? एक नंबर। मौसमी का जूस पीते हैं, फिर चलते हैं कैंपस में, है एक्सप्लोर करते हैं। और गाइस अपने ये भाई बंधु थे, क्या नाम है भाई? तो अब अगली क्लास भाई हमें अटेंड करवाएंगे एकदम। क्या नाम? सारे भाई अपने को मिले और साथ में क्लास अटेंड करवाएंगे अभी। चलिए तो बढ़िया, मन लगा हुआ पूरा, एकदम मन लगा हुआ एकदम। जब से आए तब से पढ़ ही रहे। ये माहौल है, ये देखो बच्चे बाहर आए हुए हैं। कौन सी क्लास अटेंड करवा रहे हो भाई फिर? कौन सी क्लास अटेंड करवा रहे हो? बीबीए की एडवर्टाइजिंग वाली क्लास अटेंड करवा रहा हूं। तो गाइस मैंने कर लिया एमबीए, फिर से करूंगा बीबीए। चलो थोड़ा यार कैंपस का वो तो करवाओ, एक्सप्लोर करवाओ यार भाई। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये फर्स्ट फ्लोर वाले दोस्त हैं। अब मैं इन्हें मिलवाने लेके जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर वाले दोस्तों से। अब हम आ गए हैं क्लास के अंदर और कर रहे हैं जैसे पहले बच्चों की। अबे तुम तो बच्चे ही हो, मैं बच्चों की तरह फील कर रहा हूँ। गाइस क्लास के अंदर बैठे, अब टीचर आएगी। ये हो रही है अटेंडेंस। सुनने में यार टीचर नहीं आ रही है। क्या बात है, भाई का कैडा ही चल रहा है। अरे बिल्कुल सब ले लेंगे, भाई को ले लिया पूरा व्लॉग में। मेरा तो मन था पढ़ने का, लगता है नसीब में पढ़ाई है ही नहीं, टीचर ही नहीं आ रही है। पढ़ाई नहीं होगी भाई, फिर पढ़ाई नहीं होगी। बीटी हो गई बड़े मुद्दतों बाद, बरसों बाद मेरा मन करा कि मैं पढ़ाई करूं, और मैं बैठा क्लास में। टीचर नहीं आई, अटेंडेंस ले रहे थे। तो मेरा तो नाम वो देख रहे थे, ये कौन आ गया। कौन ये भी नाम लिखेगा अटेंडेंस में। लड़कियां देख रही थी ये कौन इसके साथ घूम रहा है। हाँ तो पहली बार देखा है ना, शायद मुझे देखने की आदत नहीं। तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, जो मैंने अपने कॉलेज में अपना कॉलेज पास किया है, जैसे टेबल टेनिस खेल के, गेम खेल के। तो आज हम यहाँ जा रहे हैं, एक्टिविटी करेंगे। समय बढ़िया जाना चाहिए। क्यों? टाइम पास जहाँ करते हैं। हाँ बढ़िया, और खाओ पियो मौज लो। शारदा में भी चल रहा है क्रिकेट, और हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये देखिए गाइस, इन्होंने हमारे भाई ने एक 4 रंग देके अच्छी ओपनिंग दिखाई अपनी। बास्केटबॉल मिल जाएगी, बास्केटबॉल बिल्कुल मिल जाएगी भाई, आप जो खेलो तो मिल जाएगी। कोई ना, सब मिल जाएगा। देखो इन भाई ने अब फुटबॉल का धुन रखा है इन्होंने, अब फुटबॉल खेलने लगे हैं हमारे भाई। फुटबॉल से बास्केटबॉल, फुटबॉल को भी बास्केटबॉल बना रखा है इन्होंने। चलो कोई नहीं, वो दे रहा भाई, दे दे भाई, चलो रख दो इससे। घूमते घूमते पूरा कॉलेज एक्सप्लोर कर लिया और थक गए, और फाइनली अब पी रहे हैं ओरियो शेक बाहर। स्ट्रीट फूड का भी अलग ही मज़ा होता है। क्या गिरा दो भाई, मैं वो हर्षी डाल दो, हर्षी चॉकलेट का भाई फैन है। और हम तो चलते हैं अब, क्यों 4 भी बज गए हैं और अपना जो दोस्त है उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया होगा, बुलाया बाहर। फिर चलते हैं, पूछते हैं कैसा हुआ एग्ज़ाम।